ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर किस प्रकार से ये चार कुमार सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार जो महान ऋषि थे, महर्षि थे, वो अपने आप को हमेशा अधिक उम्र होने के बावजूद भी एक बच्चे के समान वो अपने आप को रखते थे और स्व इच्छा से सभी जगहों पर विचरण करते थे। ये चार महर्षि इस भौतिक संसार से मुक्त थे, मुक्त पुरुष थे। भगवान के वैकुंठ धाम में भगवान के चरण कमल पर लगे हुए तुलसी की सुगंध को सूंघकर ये वैकुंठ धाम की तरफ आकर्षित हुए और भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहते थे, अत्यंत आतुर थे भगवान से मिलने के लिए। ये हमने देखा किस प्रकार से भगवान से, भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए यही एकमात्र मूल्य हमें प्रदान करना है। अत्यंत उत्सुकता, आतुरता के साथ हमें जो है भगवान से, भगवान की भक्ति करनी है। और जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु विरह भाव में भगवान की भक्ति करते थे, उस प्रकार से भगवान के लिए आतुर रहना है। तो ये क्वालिफिकेशन, ये योग्यता इन महान ऋषियों में थी। इसलिए ये जब छह द्वार लांग करके आए, किसी ने भी इन्हें नहीं रोका। दूसरा, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को बच्चों के समान शरीर से, मन से रखते थे और बच्चा जनरली कहीं पर भी प्रवेश कर जाता है, कोई उसे रोकता नहीं है, कोई क्रोधित नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार से छह द्वारों से प्रवेश करके आए, किसी ने भी नहीं रोका। लेकिन सातवें द्वार पर जब इन्हें रोका गया, तो जिस प्रकार से बच्चा दुखी हो जाता है और क्रोधित हो जाता है, ये चार कुमार भी दुखी हुए और क्रोधित हो गए। और अब उन्होंने जो है तैयारी कर ली है कि ये जो द्वारपाल हैं जय और विजय, इनके अंदर में द्वंद्व है। क्योंकि यहां पर बताया गया है ये जो चार संत थे, साधु थे, महर्षि थे, इनके अंदर में द्वंद्व नहीं था, सबको समान दृष्टि से देखते थे। तो इन्होंने सोचा कि यहां पर वैकुंठ धाम में
ये जो भगवान के द्वार पालक है इनके अंदर में द्वंद है, ड्यूअलिटी है, तो इनका स्थान यहां पर नहीं है। और खासकर अगर कोई असुर प्रवेश करता है तो दूसरी बात है। यहां पर भक्त जो अत्यंत आतुर है भगवान से मिलने के लिए, उनके प्रवेश करने पर उनको रोका गया, इसलिए ये एक महान अपराध था। प्रभुपाद तात्पर्य में यही बता रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इन द्वारपालों ने बहुत बड़ा अपराध किया था, इसलिए ये चार कुमार अब इन दो द्वारपालों को दंडित करना चाहते थे, दंड देना चाहते थे। क्यों अपराध था ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं। भारत में आज भी किसी संत पुरुष को किसी के द्वार में घुसने से कभी नहीं रोका जाता, किसी के द्वार में भी नहीं रोका जाता, और यहां पर भगवान के द्वार पर रोका जा रहा है। ये जो है एक बड़ा अपराध उन्होंने किया। इस अपराध के कारण हम देखेंगे इन्होंने अपनी सेवा, भगवान की जो सेवा में रत थे, भगवान के सेवक थे, भगवान के सेवा का जो अधिकार था वो अधिकार उनसे ले लिया गया। जरा सोचिए कितना महत्वपूर्ण है समझना। अगर हम भगवान के महान भक्तों का, ऐसे साधु महात्माओं का, उनके प्रति अपराध करते हैं तो हमारी सेवा का अधिकार हमारे से ले लिया जा सकता है। हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो बताते हैं, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, भगवान के महान भक्त शुद्ध भक्तों की कृपा से हमारे हृदय में भगवान और शुद्ध भक्त की कृपा से भक्ति लता का बीज, उसका रोपण होता है। बाद में हमें क्या करना है, हमें बड़ा केयरफुली जिस प्रकार से एक बाग में, गार्डन में एक गार्डनर माली काम करता है, ठीक उसी प्रकार से हमें बड़े सोच समझ के इस भक्ति लता जो भगवान और गुरु की कृपा से हमारे हृदय में लगी है उसका हमें, उसकी हमें देखभाल करनी है। तो उसकी देखभाल करते समय प्रभुपाद जी बताते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है, रोज उसके अंदर में हमें पानी डालना है, उसे सींचना है, इरिगेशन, उसे हमें रोज पानी डालना है। उसके अंदर में हमें खाद डालनी है, मैन्योर जिसे बोलते हैं। पानी डालने से, सींचने से और उसमें खाद डालने से क्या होगा, भक्ति लता बढ़ेगी। और हमें क्या करना है, चैतन्य चरितामृत में बताया है कि जिस प्रकार कई बार क्या होता है, गार्डन में हम पेड़ लगा देते हैं लेकिन कोई जानवर आकर के उसे खा लेता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, गार्डन को एक फेंसिंग लगानी है, एक दीवार जैसी बनानी है जिसकी वजह से जानवर उसके अंदर में ना घुस पाए।
नहीं तो भक्ति लता बीज को, भक्ति लता के जो लता है उसको खा जाएगा। उसका मतलब क्या है, चैतन्य चरितामृत में समझाया गया है, हमें भक्तों के संग में वास करना है, वो हमारे लिए एक प्रकार से प्रोटेक्शन है। जब हम भक्तों के संग का वास छोड़ देते हैं तब माया का प्रहार हमारे ऊपर तीव्र हो जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं जो लोग भक्तों के संग को छोड़ करके चले जाते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है भगवान की भक्ति करना। कई बार 10-10 साल तक जिन्होंने 16 माला का जप किया है, माला का जप भी छोड़ देते हैं, मंदिर आना छोड़ देते हैं, कई बार तो भगवान के ऊपर से उनका विश्वास भी निकल जाता है। ऑफ कोर्स ये टेम्परेरी सेटबैक है, हमारी जो भक्ति हमने की है वो जाती नहीं है, लेकिन रुकावट आ जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। हमारी भक्ति लता आगे बढ़नी है, बढ़ करके भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना है, लेकिन उसमें रुकावट आ जाती है। मतलब क्या है, असत संग त्यागा ऐ वैष्णव आचार, असत लोगों का संग हमें उसका त्याग करना है। असत लोग कौन है, जो इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति में मग्न है और जो भौतिक सुखों में आनंद लेता है वो व्यक्ति विषयी है, असत है। ऐसे लोगों का हमें त्याग करना है। थोड़े दिन पहले हम सुन रहे थे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, पुराणों में लिखा गया है, भक्त जो है वो सोचता है अगर चारों तरफ से मुझे आग घेर ले और मुझे बहुत गर्मी लग रही है वो मैं टॉलरेट कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं चारों तरफ से अभक्तों से घिरा हूं वो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर हम भक्ति लता उसकी देखभाल करना चाहते हैं तो भक्तों के संग में रहना है, उस प्रोटेक्शन में हमें रहना है। आगे बताया है चैतन्य चरितामृत में, न केवल हमें प्रोटेक्शन इस प्रकार से लेनी है, न केवल हमें रोज सींचना है और रोज हमें जो है इस प्रकार से भक्ति लता की देखभाल करनी है, इसके साथ साथ हमें बड़ा कॉशियस भी रहना है, सावधान रहना है। क्या सावधान रहना है, जब भक्ति लता बढ़ती है और हम उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, यही पानी और यही खाद उस जमीन के अंदर में बहुत सारे बीज हैं, वो बीज भी धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, करेक्ट है? आपने देखा होगा, आप पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसमें बारिश आती है, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, ये खाद और पानी न केवल भक्ति लता में जाता है, ये हमारे अनर्थों का भी सिंचन करता है, हमारे अनर्थ भी बढ़ते हैं। तो मालिक क्या करता है, गार्डनर को क्या करना चाहिए, उसे समय समय पर आइडेंटिफाई करके ये गंदगियों को निकालना चाहिए, अनर्थों को निकालना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते समय भी हमारे अंदर में अनर्थ आ सकते हैं, ऐसे नहीं सोच लेना चाहिए कि मैं अब चैंटिंग कर रहा हूं अब मैं वैकुंठवासी हो गया हूं, नहीं, फिर भी हमारे अंदर में अनर्थ आ सकते हैं। हम लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, अभी हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकले हैं, वी आर अंडर ट्रीटमेंट, वी हैव नॉट बिकम डॉक्टर्स, तो हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, काम वासनाएं बढ़ सकती हैं, क्रोध बढ़ सकता है, प्राइड बढ़ सकती है, अरे तुम लोग कौन हो, तुम लोग तो अभी मंदिर में आना शुरू किए हो, मैं तो 10 साल से हूं,
दस साल से हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहा हूं, प्राइड, डिस्टिंक्शन, पूजा, प्रतिष्ठा, बाकी सभी भक्तों में से मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे जो है आदर सत्कार देना चाहिए, मुझे अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान की भक्ति में रहते हुए भी हमारे अंदर में अनेकों प्रकार के अनर्थ बढ़ सकते हैं, उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। भक्ति में अगर हम चाहते हैं अनर्थों से परे रहें और अपराध से परे रहें, सबसे महत्वपूर्ण चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, तृणादपि सुनिच्छेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना। हमें नहीं सोचना है कि हमें लोग सम्मान करें, हमारा आदर सत्कार करें, लेकिन दूसरों को सम्मान देने के लिए हमेशा रेडी रहना है, तत्पर रहना है। कई बार आपने देखा होगा गाड़ियों के ऊपर लिखा रहता है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। भक्त का ऐसा आइडिया नहीं है, ओनली गिव रिस्पेक्ट, नो टेक रिस्पेक्ट। वो अपने लिए नहीं सोचता है कि मुझे आदर सत्कार सम्मान चाहिए, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और चैतन्य महाप्रभु सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं, वो बताते हैं कि कई बार आपने फेंसिंग लगाई है, आप बढ़िया प्रकार से अनेकों प्रकार के जो पौधे हैं, जो वीड्स जिसे बोलते हैं, अनर्थ जो हैं, उनको भी आप निकाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपके बाग में, आपके गार्डन में एक पागल हाथी घुस गया है, तो आपका बाग का सर्वनाश निश्चित है। आपके बाग का सर्वनाश निश्चित है, ये हमें समझना है। इसे कहते हैं हाथी माता। भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध अगर हम करते हैं, वो हाथी को हमारे बाग में छोड़ने के बराबर है। जिस प्रकार से हाथी अगर बाग में घुस गया, तो आपका पूरा बाग का सर्वनाश। इसी प्रकार से हमारे भक्ति की लता, उसका जो है प्रैक्टिकली सर्वनाश हो जाता है। वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए, अपनी सर्विस छोड़नी पड़ी तो हमको बड़ा डरना चाहिए। आज प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से मुझे भगवान की भक्ति करने का, सेवा करने का मौका मिला है। अगर मैं भक्तों के प्रति अपराध करूंगा, मेरी सेवा छिड़ जाएगी। भगवान ऐसी अरेंजमेंट करेंगे जिसके द्वारा वो सेवा मेरे से निकल जाएगी, ये हमें समझना है। अगर मेरे हाथ से भगवान की सेवा गई है, मतलब भगवान है, भगवान सब देख रहा है, भगवान के इंटरवेंशन के बिना, भगवान की निगरानी के बिना कुछ भी नहीं होता, एक तिनका भी नहीं हिलता है। तो अगर आज मेरे हाथ से भगवान की सेवा निकल गई है, हमें समझना है हमने कुछ अपराध किया है। ये प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं। ऐसे महान संतों का जो है आदर सत्कार तो दूसरी बात, एक्चुअली हमें आदर सत्कार करना चाहिए। इतने महान संत लोग आ रहे हैं, उनके चरण धोने चाहिए, उनकी चरण पूजा करनी चाहिए, उसकी जगह में हम लोग डंडी लेकर के खड़े हो रहे। तो अपराध कर रहे हैं। तो यहां पर इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, भारत में आज भी किसी संत पुरुष को किसी के द्वार में घुसने से नहीं रोका जाता, ये जो है ऑफेंस है। चैतन्य चरितामृत में एक बड़ा सुंदर वर्णन है, जिसमें
भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करने से न केवल भगवान की सेवा छूट जाएगी, जो हमने देखा, हम लोग अनेकों प्रकार के कष्ट भोगेंगे, अनेकों प्रकार के कष्ट भोगेंगे। चैतन्य महाप्रभु जब गया से अपने जो है पिताजी का पिंड दान करने के बाद में जब वापस आए तो भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। आप सबने सुना होगा मायापुर में एक जगह है जिसे श्रीवास आंगन कहते हैं। इस श्रीवास आंगन में दिन रात भगवान के नाम का कीर्तन चलता था। श्रीवास जो है, श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बड़े महान भक्त थे, जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उसी ग्राउंड में एक ब्राह्मण था जिसे वेदों का ज्ञान था, जो यज्ञ करता था, जो भगवान की उपासना भी करता था, क्योंकि ब्राह्मण लोग भगवान की उपासना करते हैं। उसने क्या किया, उसका नाम था गोपाल चपला। तो इस गोपाल चपला ने क्या किया, वो श्रीवास ठाकुर से ईर्ष्या रखता था, क्योंकि श्रीवास ठाकुर महान भक्त थे, भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। तो जनरली होता है, आपने देखा हो, हम जब भगवान की भक्ति में आते हैं तो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और एनवियस भी हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया, एक दिन श्रीवास ठाकुर का मान सम्मान ना करके उनका अपमान करने का फैसला किया। अपमान करने का, कैसे अपमान किया, अनेकों प्रकार की, जैसे भवानी की पूजा की जाती है, भवानी दुर्गा की पूजा में कई बार ऐसी चीजें भी ऑफर की जाती हैं जिसको भगवान का भक्त हाथ भी नहीं लगाता है, जैसे मांस। तो इस प्रकार की जो शुचि व्यक्ति वस्तु नहीं है, जो भगवान की उपासना में जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इस प्रकार की गंदी वस्तुएं, अशुचि चीजें गोपाल चपला ने उनके आंगन में डाल दी, श्रीवास आंगन में डाल दी। तो रात के बाद में जब श्रीवास बाहर आए तो उन्होंने देखा कि भवानी दुर्गा की उपासना में जो जो वस्तुएं जो है उसका प्रयोग होता है, वो सारी वस्तुएं वहां पर पड़ी। तो श्रीवास जो हैं बड़े ही विनम्र भाव के थे, उन्होंने सभी भक्तों को बुलाया और कहा, देखो मेरी क्या परिस्थिति है, मैं सोचता हूँ कि मैं भगवान की भक्ति में लगा हूँ, पर आप देख सकते हैं मेरी क्या परिस्थिति है, मैं तो भवानी की पूजा में लगा हूँ। तो जब भक्तों ने ये देखा तो जो है उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि ये किसकी जो है इस प्रकार से, किस व्यक्ति ने इस प्रकार का कार्य किया है। तो जब चैतन्य महाप्रभु को यह पता चला तो बड़े क्रोधित हुए। इस कार्यक्रम को करने के बाद 3 दिन के बाद, जस्ट 3 डेज, गोपाल चपला को लेप्रेसी हो गई। लेप्रेसी एक प्रकार की बीमारी है जिसमें शरीर के सारे अंग जो है गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर, जर्म्स। तो उसके सारे शरीर के अंदर में कीड़े पड़ गए, और क्योंकि ये बीमारी फैलती है,
अब गोपाल चपल को बाहर निकाल दिया गया, गांव से बाहर चला गया। गंगा नदी के किनारे जाकर के बैठ करके बड़ा दुखी था गोपाल चपल, सोचने लगा ये मैंने क्या किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां से गुजर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पर पड़ करके जो है बड़ी ही उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप तो पतित पावन हैं, आपने पतितों का उद्धार किया है, कृपा करके इस पतित के ऊपर, इस पापी के ऊपर भी उद्धार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु क्या रिप्लाई देते हैं वो जरा सुनिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ओ दुष्ट पापी, तुम भगवान के भक्तों से द्वेष रखते हो, मैं तुम्हें इस प्रकार के पाप कर्म से कभी मुक्त नहीं करूंगा। आई शैल नेवर डिलीवर यू। उसके बजाय मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रकार के कीटाणुओं के द्वारा करोड़ों करोड़ों साल तक इसी प्रकार से दुर्दशा में बने रहो, इस प्रकार के कष्टों को भोगते रहो। यही नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बर्थ तुम्हें इस प्रकार का कष्टमय जीवन प्राप्त हो। देखिए ये जो है भगवान के भक्तों के प्रति अगर हम अपराध करते हैं, आगे हमारा किस प्रकार का जीवन हो सकता है हमें विचार करना है। हमारी सेवा तो छूट जाएगी वो अलग बात है, न केवल भगवान की सेवा छूट जाएगी, इस प्रकार से घोर नरकीय जीवन हमें जो है प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से रहा। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया और जगन्नाथपुरी से जब वो वापस आए, कुलीन ग्राम को जब वो वापस आए, तब दोबारा जो है गोपाल चपला ने चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा एकमात्र उपाय है तुम वापस जाओ और शिवास ठाकुर के चरण कमल पर गिर के उनसे जो है अपने अपराधों की क्षमा याचना करो। अगर उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया तब तुम जो हो इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हो। तो गोपाल चपल जो है तुरंत गया और शिवास ठाकुर, वो अत्यंत कृपालु है, भगवान के भक्त अत्यंत कृपालु हैं, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करना कितना घोर कार्य है। भागवत में आप सब भक्तों ने सुनी है कथा, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज। दुर्वासा मुनि इतने महान मुनि थे, अनेकों प्रकार की तपस्याएं की थी, उनके पास में अनेकों प्रकार की शक्तियां थी। उन्होंने बिना किसी वजह अम्बरीश महाराज को क्षति पहुंचाने की जो है उसका प्रयास किया, अपनी योगिक शक्ति के द्वारा दानव पैदा किया जो अम्बरीश महाराज को जो है मारने के लिए गया। लेकिन तुरंत भगवान के सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, उस असुर का वध किया और दुर्वासा मुनि के पीछे जो है सुदर्शन चक्र चल दिया और दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं इधर से उधर, शिवलोक तक चले गए, शिवलोक से लेकर के वैकुंठ लोक तक चले गए। वहां पर जाकर के भगवान से भी प्रार्थना की, भगवान मुझे छुटकारा दिलाओ सुदर्शन चक्र से, ये मेरे पीछे पड़ा है। भगवान ने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता,
तुमने इस प्रकार का अपराध किया है। तो अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो, एक ही उपाय है, तुम अम्बरीश महाराज के पास जाकर के उनसे क्षमा याचना करो। उसके बाद ही जाकर के जो है दुर्वासा मुनि को छुटकारा मिला। इसी प्रकार से हम देखते हैं चित्रकेतु एक महान राजा थे, लेकिन यही चित्रकेतु एक बार जब अपने विमान में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जो है शिव और पार्वती वहाँ पर वन में बैठे हैं और अनेकों संतगण वहाँ पर विराजमान हैं, और पार्वती जो है शिव भगवान के जो है जंघा पर बैठी है, और शिव भगवान ने जो है अपना हाथ पार्वती के कंधों पर रखा हुआ है। तो इस प्रकार से देख करके चित्रकेतु ने इतने महान जो भगवान के भक्त हैं शिव वैष्णवा नाम यथा शंभु, उनकी पोजीशन को देखे बिना उन्होंने बड़ा अपराध किया, उनको क्रिटिसाइज किया, उनकी आलोचना की। क्या आलोचना की? उन्होंने कहा कि तुम्हारी पोजीशन इतनी महान है लेकिन पब्लिक में तुम इस प्रकार से बैठे हो, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के, अपनी जंघा पर लेकर के, उनके कंधे पर हाथ रख के। चित्रकेतु ने ये नहीं सोचा इतने सारे महान ऋषिगण वहां पर बैठे हैं, उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा, उनमें से किसी ने भी इस प्रकार की आलोचना नहीं की। मतलब क्या है, चित्रकेतु अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे इन सब महान संतों से भी ज्यादा। प्राइड आ गई थी, और एवरी प्राइड हैज अ डाउनफॉल। वो सोच रहे थे कि संकर्षण भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो मैं अब इतना महान हो गया हूं कि मैं शिव को भी जो है उनकी भी आलोचना कर सकता हूं। उसके फल स्वरूप क्या हुआ, पार्वती माता पार्वती ने उन्हें जो है शाप दिया कि तुम राजा बनने के लायक नहीं हो, तुम जो हो एक असुर के रूप में जन्म लोगे। तो चित्रकेतु जो है अगले जीवन में वृतासुर के रूप में उनका जन्म हुआ। तो हम समझ सकते हैं भगवान के भक्तों के प्रति अपराध से भगवान की सेवा, हमारी पोजीशन, यहाँ तक कि हमारे अगर अच्छे कर्म हैं सब वाइप ऑफ हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के दुख हम भोगते हैं। यहाँ तक कि बताया गया है इन सभी कौरवों ने क्योंकि भगवान के भक्तों का अपमान किया था, उनकी आयु भी कम हो गई थी, इवन देयर लाइफ स्पैन डिक्रीज। दुर्योधन से लेके दुशासन, जिन्होंने भी द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, सबकी आयु जो है हर ली गई। तो भगवान के महान भक्तों का अपराध जो है इस प्रकार से अत्यंत गंभीर होता है। तो जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, इससे हमें जो है अत्यंत सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। तो ये यहाँ पर जो है बताया गया है कि किस प्रकार से सनक सनातन इन चार कुमारों के प्रति अपराध करने पर जय और विजय ने अपनी सेवा जो है उनको छोड़नी पड़ी। न केवल सेवा छोड़नी पड़ी, इस भौतिक संसार में असुर का जन्म उन्हें प्राप्त हुआ। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो भी उन्होंने भगवान की पहले सेवा की थी और भगवान अत्यंत कृपालु थे, इसलिए उनका जीवन जो है इस संसार में केवल 3 जन्म उनको लेने पड़े, और 3 जन्म कष्ट भोगने के बाद, असुर का जीवन प्राप्त करने के बाद वापस जो है अपनी सेवा में
जो है वापस वैकुंठ धाम में वो लौट सके। तो इसके साथ समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की।